Chapter 2 Advanced Features of Windows 7. Which one of the following option is used for arranging files and folder in an alphabetical order of their names? नेम के अकॉर्डिंग्स हम किस ऑप्शंस की हेल्प से फाइल और फोल्डर को अल्फाबेटिकली लगा सकते हैं? टेल्स नेम डिटेल्स कंटेंट्स आंसर हमारा नेम. ऑन विच बार आर द बैक एंड फॉरवर्ड बटन लोकेट, किस बार में हमारे बैक और फॉरवर्ड के बटन्स होते हैं? मेनू बार, टाइटल बार, मेनू कंट्रोल बार, नन ऑफ दीज. आंसर है हमारा मेनू कंट्रोल बार. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉपी फाइल्स ऑन टू ए सी डी रोम और डीवीडी, किस प्रोसेस के हेल्प से हम सी डी में या सी डी रोम या डीवीडी में फाइल की कॉपी कर सकते हैं? फाइल बर्निंग, फोल्डर बर्निंग, डॉक्यूमेंट बर्निंग, सी डी बर्निंग. आंसर है हमारा सी डी बर्निंग. शॉर्टकट्स आर क्रिएट ऑन वेरियस लोकेशन सच है, शॉर्टकट जो है वेरियस लोकेशन पर क्रिएट कर सकते हैं. फाइल, डेस्कटॉप, इमेज, नन ऑफ दिस. आंसर है हमारा डेस्कटॉप में हम शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी डी डीवीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर, में से कौन सा सी डी डीवीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर है? एन ई आर ओ, एच ई आर ओ, एन ए आर ओ, एन ई आर ए. आंसर है हमारा एन ई आर ओ, नैरो सॉफ्टवेयर हमारा सी डी डीवीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर है. चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. विंडोज एक्सप्लोरर इज ए डैश प्रोग्राम डेट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स. विंडोज एक्सप्लोरर हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें हम फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. डैश ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, किस ऑप्शंस में फाइल और फोल्डर्स डिस्प्ले होते हैं आइकन्स के रूप में? आंसर है हमारा टाइल्स. डैश ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले स्मॉल आइकन फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ फाइल और फोल्डर, किस ऑप्शंस का यूज करके हम स्मॉल आइकन्स में फाइल और फोल्डर्स की लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं? आंसर है हमारा लिस्ट. डैश ऑप्शन इज यूज टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, किस फंक्शंस की किस ऑप्शंस के हेल्प से हम फाइल और फोल्डर को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं? आंसर है हमारा साइज. डैश ऑप्शंस हेल्प अस टू अरेंज द आइकन्स ऑफ फाइल्स और फोल्डर, किस ऑप्शंस के हेल्प से हम फाइल और फोल्डर्स के आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं? आंसर है हमारा शॉर्ट बाय. मैच द फॉलोइंग. सी डी बर्निंग प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल इन टू ए सी डी और डी वी डी. सी डी और डी वी डी में फाइल को कॉपी करने का प्रोसेस हमारा सी डी बर्निंग कहलाता है. मेन्यू कंट्रोल बार टू डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम ऑफ आइकन. मेन्यू कंट्रोल बार में फाइल और फोल्डर्स के हमारे आइकन से डिस्प्ले होते हैं. शॉर्ट बाय ऑप्शंस टू अरेंज द फाइल्स एंड फोल्डर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. शॉर्ट बाय फंक्शंस के हेल्प से हम फाइल एंड फोल्डर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. नेम ऑप्शंस टू अरेंज द आइकन्स फाइल्स और फोल्डर. नेम आइकन्स के हेल्प से हम फाइल और फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं. टाइल्स टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर. टाइल्स में हमारे फाइल एंड फोल्डर का व्यू को हम देख सकते हैं. Write T for true and F for false for the following statement. You cannot rename a file or folder. File or folder को rename नहीं कर सकते. आंसर हमारा false. File or folder को हम rename कर सकते हैं. You can change the view options in the title bar. जब हम ऑप्शन चेंज करते हैं टाइटल बार से चेंज करते हैं हमारा आंसर false है. Library are used to define collection of content. Library में जो होते हैं collections होते हैं contents का आंसर हमारा true है. You cannot delete files or folder. फाइल और फोल्डर को हम डिलीट नहीं कर सकते. आंसर हमारा फोल्स है, हम डिलीट कर सकते हैं. सी डी बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग फाइल फ्रॉम ए सी डी रोम और डी वी डी. सी डी बर्निंग प्रोसेस है सी डी रोम और डी वी डी में फाइल को डिलीट करने का. आंसर हमारा फॉल्स है. यह कॉपी करने का फंक्शन है. अरेंज द गिविंग जम्बल्स वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. अगर हम पी एल ई एक्स ओ ई आर आर को जम्बल्स करेंगे तो हमारा एक्सप्लोरर बनता है. बी आर ए एल आई ई एस आर आई को करते हैं तो लाइब्रेरी इज. के वाई ई ओ बी आर ए डी को करते हैं तो कीबोर्ड. यू आर एन आर एन आई जी को करते हैं तो बर्निंग. ओ जी आर ए एन जेड आई ई को करते हैं तो ऑर्गेनाइज बनता है हमारा. इस तरीके से क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट डाउन द नेम ऑफ टू थिंग्स मैनेज द बाय लाइब्रेरीज विंडो. लाइब्रेरीज विंडोज़ को मैनेज करने के टू थिंग्स बताइए.
libraries in Windows 7 that is used to manage music, pictures, document, etc. Libraries जो होती है मैनेज करती है विंडोज 7 में म्यूजिक पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स को. डिस्क्राइब थ्री ऑप्शंस फॉर व्यूइंग द फाइल और फोल्डर एंड द ऑप्शंस टू अरेंज देम इन डिफरेंट स्टाइल्स. तो डिस्प्ले व्यूइंग द फाइल फोल्डर, फाइल और फोल्डर को डिस्प्ले करने के थ्री ऑप्शंस है हमारे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. दिस आइकन हेल्प अस टू डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर एज एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. इस फंक्शन एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स के ऑप्शन के हेल्प से हम फाइल और फोल्डर्स को एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स के रूप में देख सकते हैं. लार्ज आइकन, दिस ऑप्शन हेल्प अस टू डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर एज लार्ज आइकन. लार्ज आइकन्स के हेल्प से हम लार्ज आइकन्स में देख सकते हैं फाइल फोल्डर्स को. स्मॉल आइकन, दिस ऑप्शन हेल्प अस टू डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर एज स्मॉल आइकन. स्मॉल आइकन्स ऑप्शन के हेल्प से फाइल और फोल्डर को स्मॉल आइकन्स में देख सकते हैं. राइट द स्टेप टू फॉर व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल एंड फोल्डर. फाइल एंड फोल्डर की प्रॉपर्टीज को हम कैसे देख सकते हैं. व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल और फोल्डर. स्टेप वन, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर. सबसे पहले हम फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जिसके हमें प्रॉपर्टी देखनी है. स्टेप टू, क्लिक द प्रॉपर्टीज ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज मेनू. ऑर्गेनाइज मेनू में प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं. स्टेप थ्री, यू कैन सेलेक्ट एंड सेट द प्रॉपर्टी. इसके बाद हम जो प्रॉपर्टीज का फंक्शन होता है उसको सिलेक्ट करते हैं. इससे हम प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं फाइल और फोल्डर्स की. वॉट इज जो सी डी बर्निंग, सी डी बर्निंग क्या है. सी डी बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल ऑन द सी डी रोम और डी वी डी. सी डी बर्निंग एक प्रोसेस है किसी भी फाइल की कॉपी करने का सी डी रोम और डी वी डी में. राइट द स्टेप टू बर्न ए सी डी रोम और डी वी डी. सी डी रोम और डी वी डी में हम फाइल की कॉपी कैसे करते हैं, कैसे बर्न करते हैं, इसके स्टेप लिखे. स्टेप टू बर्न ए सी डी रोम और डी वी डी. इंसर्ट सी डी रोम इन द सी डी रोम ड्राइव. सबसे पहले हम सी डी रोम ड्राइव में एक सी डी को इंसर्ट करते हैं. स्टेप वन, इंसर्ट सी डी इन सी डी ड्राइव. सी डी ड्राइव में एक सी डी को इंसर्ट करेंगे. क्लिक, स्टेप टू, क्लिक ऑन द मेक डाटा सी डी. इसके बाद जिस डाटा को हम सी डी में सेव करना चाहते हैं उस डाटा पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन एड बटन एंड सेलेक्ट फाइल. एड बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप फोर, क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे. स्टेप फोर, क्लिक ऑन द बर्न ऑप्शन. बर्न ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. स्टेप सिक्स, क्लिक ऑन ओके. ओके बटन पर क्लिक करेंगे. इससे हमारी जो सी डी में डाटा की कॉपी हो जाएगी. व्हाट क्वेश्चन, विच व्यू डिस्प्ले योर फाइल्स एंड फोल्डर एज ए स्मॉल आइकन. उस फंक्शंस का नाम लिखे जिसमें फाइल और फोल्डर्स का व्यू देख सकते हैं स्मॉल आइकन्स में. आंसर है हमारा स्मॉल आइकन. चैप्टर टू, एडवांस फीचर ऑफ विंडोज 7.